दोस्तों, मैं अमित कुमार, एयरफोर्स वेटरन, को फाउंडर यमुना रियल टेक, आप लोग का यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी एरिया में स्वागत करता हूं। और आज मैं जो है आपके लिए जो है बहुत सुंदर प्लांट पीछे लाया हूं। जान रहा हूं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है कि नहीं और क्या है, ये प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। और आपको पता है कि मैं आए दिन जो है हम लोग जो है ये इंडस्ट्रियल अथॉरिटी यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी एरिया के बारे में जो है वीडियोज़ बनाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके कि दिल्ली NCR के पास देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, उसके पास क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, और जिससे आपको और भी जानकारियाँ मिले और आप सक्षम बन पाए किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए जो है मैं अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आएँ हमारे पास नक्शे के पास, जिससे कि हम आपको बता सकें कि ये किस तरह से और कहाँ पर डेवलप कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा पूरा यमुना एक्सप्रेसवे के चारों तरफ जो डेवलपमेंट करने का गवर्नमेंट का प्लान है, जिस तरफ से ये देख सकते हैं ये आगरा है और ये है यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली से जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे जा रही है और इसके चारों तरफ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके जो है ज़मीन को एक्वायर करने का प्लान है और जो है इसको नोडल्स में, छोटे छोटे नोडल्स में जो है डेवलपमेंट करने का प्लान है, जिसमें कि पहला एरिया तो ये आ जाता है जिसमें कि ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी काम कर रही है। इसके बाद आता है अलीगढ़ एरिया, फिर मथुरा, फिर मथुरा के बाद जो है आगरा और हाथरस, इन सारे एरियाज़ को जो है इंडस्ट्रियल में जो है इंडस्ट्रियल जोन्स में कन्वर्ट करना है इंडिया को, जिसमें कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने काम भी किया है। अब मैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी का नक्शे पे ले चलूँगा। वाइडा का देखिए, ये है वाइडा का एरिया, ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद, और ये है दूसरा प्रीमियम सेक्टर जो बनने वाला है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मतलब गुड सक्षम इंडस्ट्री की। देख, इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज इसमें आने वाली हैं और ये बस रेजिडेंशियल जोन है जो डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। और आज जो है, आज मैं आप लोगों को लाया हूँ सेक्टर 24 जो कि है अभी जहाँ पर कि वीवो का जो है प्लांट, जो आपने जो पीछे देखा था वो है वीवो का प्लांट। अभी देखिए पीछे दिखाएंगे मैं फ्रेंड, ये जो है पीछे जो है बन रहा है ये वीवो का प्लांट, वीवो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, देखेंगे इसको काफ़ी दूर तक देखेंगे कितने बड़े एरिया में जो है इन्होंने ये जो है वीवो का प्लांट बन रहा है। तो इस वीवो के प्लांट से जो है आप जान सकते हैं कि यहाँ पे कितना जो है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। और वीवो ही प्लांट नहीं बन रहा है, इसके अलावा और भी कंपनीज़ बन रही है जो कि आए दिन मैं आप लोगों को विज़िट कराता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ और जो है इसके बारे में समझाता रहता हूँ कि किस तरह से इस एरिया का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ की जो है प्लॉट्स की रेट्स भी बढ़ रहे हैं। और इसी जो वीवो के प्लांट के जस्ट पीछे में पतंजलि ने जो है 400 एकड़ का जो है बहुत बड़ा प्लॉट जो है ले रखा है, जहाँ पर कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप होने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो है 130 मीटर के रोड पर ये प्लांट बन रहा है। ये जो हम लोग एक साइड का रोड देख रहे हैं, वो दूसरी साइड भी, दोनों को प्रोटोकॉल मिला के ये 130 मीटर का वाइड रोड है और उसके अपोजिट में है रेजिडेंशियल सेक्टर 22D है रेजिडेंशियल सेक्टर, जिसमें कि प्लॉट्स हैं, जिस तरह की सेक्टर 19 में मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, उस तरह से जो है वहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और एक चीज़ मैं इस एरिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये फ्यूचर का जो है ना इंडस्ट्रियल हब होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं सेक्टर 32, उसके बाद सेक्टर 32 और एयरपोर्ट के पास जो सटे हुए सेक्टर्स हैं, वहाँ किस तरह से गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ को ला रही है, लगा रही है। इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों, चार चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ पर भी कोई गवर्नमेंट का अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट आने वाला हो, जहाँ पर भी गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की हो, तो उसके पर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल हो। और जो है इसके अलावा आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि वहाँ पे फुटफॉल क्या है, क्या प्रपोज फुटफॉल है, कितने लोग आ सकते हैं वहाँ पे रहने के लिए। फुटफॉल से भी जो है किसी प्रॉपर्टी का अच्छा रेट जाता है, तो वहाँ पे फुटफॉल की क्या संभावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी इन्वेस्टमेंट करें। और जो तीसरा होगा हमारा मेन पॉइंट होता है कि ये देखना है कि वहाँ पे पेइंग कैपेबिलिटी कितनी है, वहाँ की पेइंग कैपेसिटी कितनी होगी वहाँ के लोगों को जो फ्यूचर में आने से। तो वो पेइंग कैपेबिलिटी नॉर्मली इंडस्ट्री से और IT इंडस्ट्रीज़ के और कमर्शियल सेक्टरों से ही होती है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कितनी यहाँ पे कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ जो है इवॉल्व हो रही हैं, जिससे कि
वहाँ के रहने वाले लोगों की पेइंग कैपेबिलिटी डिसाइड हो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी जो है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले अपना एवेल्यूएशन, अपना जो है अपना सर्वे जरूर करें, किसी भी एजेंट के बोलने पर ना जाएँ। और इसका सर्वे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो वेरियस टाइप के वीडियोज़ देखें उस एरिया से रिलेटेड, वेरियस टाइप की जो है न्यूज़ के थ्रू गो थ्रू हो, ठीक है, और उसके बाद जो है आप खुद डिसाइड करें कि उस एरिया में कितनी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है और फिर जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करें। आप कभी भी आपका जो है इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में भी हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ देंगे इस एरिया के बारे में, किस तरह से जो है ये यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्क कर रही है और वेरियस एरियाज़ में काम कर रही है और कैसे उनका इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट की वजह से बढ़ रहा है। तो आपको आप जरूर जो हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे और हम आपके लिए फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएँ। जय हिंद साथियों।